जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सबको देर बरकत। बोस की काफी लोकप्रिय है, बस दको देर बारकाट वही सबसे फेमस डायलॉग, दको देर बारकाट। वो स्वभाव है, वो वहाँ को स्वभाव ही अलग ही पहचान है। बोस को एक बात किया करेगा, कुत्ता की भाषा में कुत्ता जो मेरे नौकर है, तम्बू ने आग लगा था, टाइम कौन लगेला ऐसे की बोस की बात है ना, ऐ आपना दिमाग दिल खोल दे सकड़ी। और दको देन बारकाट है आपकी बोली में फैशन हो, आई मा की भाषा है नागौर की, नागौर की भाषा में मजो आवे अलग ही। और चारों तरफ जो बोस खुलो बोलिया करे ना, वो अलग ही दिल के मायने का अलग पहचान बनावे। बोस को स्वभाव तो बोस ही जाने है कि आपा जाना है, बोस तो बोस है सा। नमस्कार, राम राम, खमा घड़ी। मैं आपका भाई पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वीराज ब्लॉग्स। दोस्तों, अभी इस वक्त मैं हूँ जोधपुर के जालोरी गेट। बात यह है दोस्तों कि आज यहाँ पर आपके और हमके सबके चहेते बॉस यानी कि स्वामी जी कुशाल गिरी जी महाराज नागौर गौशाला के संचालक हैं, वो यहाँ पर आने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी ये जो बॉस के और भी फैंस हैं, समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन लोगों का क्या कहना है, सभी दूर दूर से जो चला के बॉस से मिलने के लिए, बॉस के दर्शन करने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ पर है जो आए थे। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है, कहाँ से आप? हम, मेरा नाम तुषार उपाध्याय है, मैं HDFC बैंक में हूँ, होम लोन में। और बॉस को देखने आए थे, काफ़ी उत्कृष्टता थी, लोग आए हुए थे बाहर से। बॉस की काफ़ी लोकप्रिय है, बस दको देर बारकाट। और बॉस से आपको क्या सीख मिलती है अपने जीवन में, जो बॉस की बातें आपको अच्छी लगती है? नहीं, वो अपने जो भी बोलते हैं मुँह पे बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं। जो भी उनका स्वभाव खराब था फूलचंद के प्रति, उन्होंने मुंह पे बोला और दको देर बाहर निकाला। मतलब कि कुल मिला के बॉस है जो साफ दिल के आदमी, साफ दिल के हैं, मुंह पे बोलते हैं, दिल में रखते नहीं है, जो भी होता है क्लियर स्पष्ट बोलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? यही जोधपुर से, मोहित सोनी नाम है। तो आज होने जी, फिर आपका काम धंधा है क्या? जी बिल्कुल, जॉब करते हैं। जॉब छोड़ दिया आज, छुट्टी कर दी? आज बॉस को देखने के लिए आए थे, पता चला बॉस आ रहे हैं तो आज चले गए बॉस के पास। बॉस का कौन सा डायलॉग है जो आपके दिल के सबसे करीब है? वही सबसे फेमस डायलॉग, दको देन बारकाट। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्ते सर। बॉस से मिले, कैसा लगा? अरे जोरदार यार, फर्स्ट टाइम ऐसे, मतलब ऐसे मन, सबसे बड़े मतलब मेहनत आदमी से मिले था कि वो मतलब भाग भक्ति वाला आदमी, और मतलब तो और भी बहुत सारे हैं, पर मतलब बॉस का ही अलग ही स्वभाव। हम खुद नागौर से हैं, बट रियली मतलब इंप्रेशन बहुत जोरदार लगा, मतलब इतना एक्टिव और मतलब हर चीज़ से ले देगा, मतलब इस एज में भी ब्रिलियंट यार, रियल में मतलब इतना युवाओं के साथ सपोर्ट और बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो सही है दोस्तों, कुछ भी कहो, मतलब कि बॉस यहाँ पर आए, सभी लोगों के फेस पे स्माइल आ गई, सब खुश हो गए, ये बात तो पक्का है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम रविंदर सिंह राठौड़ है, मैं तो खुद ही बॉस रे गांव रे करने ही हूँ, नागौर को आदमी हूँ। और बॉस को जो बोलवा को स्वभाव है, वो माँ को स्वभाव ही अलग ही पहचान है। बॉस को एक बात किया करेगा, कुत्ता की भाषा में कुत्ता जो मेरे नौकर है, तम्बू ने आग लगा था, टाइम कौन लगेला ऐसे की बॉस की बात है ना, ए आपने दिमाग दिल खोल दे सकड़ी। और दको देन बारकाट है आपकी बोली में फैशन हो, आई माँ की भाषा है नागौर की, नागौर की भाषा में मजो आवे अलग ही। और चारों तरफ जो बॉस खुलो बोलिया करे ना, वो अलग ही दिल के मायने का अलग पहचान बनावे। बॉस को स्वभाव तो बॉस ही जाने के आपा जाना, आप ही जान गए तो कि भाई बॉस की बात कर रहा है वे सही है। कटिंग कटिंग बॉस रो मतलब जो मकसद है वो क्लियर है, बिल्कुल मकसद क्लियर है। आज पूरा भारत रे मायने जो विश्व स्तरीय जो गो चिकित्सालय है वहाँ नागौर में, वो बॉस के नेतृत्व में ही है। और यहाँ की गौशाला चलाना, आज आप दो टाबर कौन पड़े है, पूरी गौशाला ने पाल रही है, वो तो बॉस ही जाने। बिल्कुल 4-5 हजार लोग है, 5 हजार इतनी गायें है, पूरा विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय है, तो कोई नॉर्मल आदमी तो है कौन। दो आदमी दो टावर बना झकई छिका जावे तो पूरा इतना लोगन पाल, मतलब हाथ विचार करना पड़े, बहुत इतनी बड़ी पड़े, तो ये तो साक्षात एक परमात्मा का रूप ही है अपने बॉस। पाची मतलब आपने देखा कि बॉस यानी युवाओं माता है एकदम यू समर्पित है, यानी युवा कह दियो भाई बॉस वो डायलॉग सुना दो, बॉस सुना दे, मतलब बुरो नहीं माने बॉस, बिल्कुल वो डायलॉग भी सुना दे, लेकिन बॉस रे नेतृत्व में ही सगड़ा युवा साथी मानु सीख रही है। और बॉस रो जो को नेतृत्व है वो युवा रे दिल में एक अलग ही छाप छोड़े। और आज युवा इतना यदि मजबूत होया है, लाठा होया है, तो वे बॉस रे जका भाषण सुन सुनी होया है, बॉस रो एक स्वभाव है बीने वास्ते युवा जकी जागृत शक्ति हुई है, जो हिंदू धर्म रे प्रति परमात्मा प्रति जो आस्था हुई है युवा री, वह सब बॉस रे नेतृत्व में हुई है। वो आप रो कहना सही है कि कटिन कटिन मतलब जका साधु संत देवे प्रवचन देवे तो युवा बोर है, उन्हें समझ में नहीं आया, वो छोड़ने जाओ बोरो, पर बॉस भाषण दे रहा युवा होने ला, युवा रे मायने बॉस रे प्रति एक अलग ही भावना है।
क्योंकि बॉस रो जो भाषण है वो अट्रैक्टिव है, लोग आकर्षित करे, युवा आकर्षित करे, और युवा आकर्षित रही वो बॉस रो भाषण है। बॉस तो बॉस है सा। राम राम सर। नमस्कार, राम राम सर, मैं भोपालगढ़ से प्रकाश देवड़ा। प्रकाश भोपालगढ़ आया हूँ बॉस मिलने। बिल्कुल खड़ो के लगवा आज टाने बहुत शानदार लगा सर। हमारे वो देखा कि बॉस इधर आए हुए हैं, हिंदू संस्कृति और सभ्यता के प्रचारक संरक्षक और गौ माता के संरक्षक कह सकते हैं हम, तो उनसे मिलके और आशीर्वाद लेके हम बहुत खुश। अच्छा, एक किताब वगैरह मिली आपको? बिल्कुल, किताब और छल्ला दोनों मिले हैं सर। अच्छा, आप देख सकते हैं बॉस का छल्ला है जिसके ऊपर बॉस लिखा हुआ है, बॉस की फोटो है माता की किताब और एक काम देनु दर्शन वाली। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल सर। बॉस ने अपना जो आशीर्वाद स्वरूप है वो भक्तों को दिया है। बिल्कुल। और क्या काम करते हैं आप? मैं सर HDFC में जॉब करता हूँ यहीं। अच्छा, तो जैसे आपको पता चला बॉस आया था आगे नीचे ऑफिस में बैठे थे, नीचे पता चला कि नीचे ढोल लंगड़ बज रहे, देखा बॉस बॉस की गाड़ी आई हुई, तो सब काम काज छोड़ के मैं नीचे आया। और बाकी मतलब और कोई नेता वगैरह आता है तो लोग अपना काम छोड़ के कोई नहीं आता है कि आया होगा कोई, पर बॉस आया तो इतनी रुचि नहीं है सर उसमें, क्योंकि हमारे धर्म के संरक्षक है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने पेपर लीक किया है फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं युवाओं के पक्ष में रहूंगा, किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे, उनके साथ में अत्याचार हुआ है, धोखा हुआ है, आतंकवादी से कम नहीं है जिन्होंने पेपर लीक किया है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अरे बॉस भूख से होगा। जिंदाबाद भारत माता की। तक्को देर बरकत। और बॉस युवा पीढ़ी को जागृत कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं। आज हमने देखा था, मैं रॉन्ग साइड में था फिर भी मैं गाड़ी लेके इस तरफ आया। अच्छा। और बॉस से मिला, मेरे को संतुष्टि हुई है। ऐसे दो चार आदमी और हो जाए और बॉस की तरह ही अपने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाए। जय हो बॉस के। बस बिल्कुल बॉस का आशीर्वाद। सो फ्रेंड्स, ये था आज का कार्यक्रम। कैसा लगा आपको? अगर आपको पसंद आया तो वीडियो का जो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें अपने भाई को। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय गोपाल।